भारत के सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएजी के अनुसार आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक विज्ञापन अभियान पर 33.4 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसका 85% हिस्सा दिल्ली के बाहर खर्च किया गया। सीएजी की यह रिपोर्ट आम आदमी पार्टी सरकार की सत्ता के पहले साल में विज्ञापन पर किए गए धुआंधार खर्च पर उंगली उठाती है। 55 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य सरकार की बहुत सी उपलब्धियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी प्रयासों की बदौलत दिखाया गया है, जबकि विपक्षी पार्टियां पहले भी केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगा चुकी हैं। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आप सरकार ने विज्ञापनों पर जो 526 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वह उनमें से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब दे पाने में नाकाम रही है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने यहां की खराब कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए 70 लाख रुपए खर्च कर डाले। सीएजी ने विज्ञापनों में केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए दावों पर भी सवाल उठाए हैं, जैसे जब सरकार ने दावा किया उसने 3 पुलों का निर्माण तय समय में कम बजट में पूरा कर लिया। सीएजी का आरोप है कि यह दावा गलत है, क्योंकि पुलों पर अभी का ठीक ठाक काम बाकी है। तो ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई सरकार अब खुद खिड़ती नजर आ रही है। देखते रहिए टीवी लाइव।